गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, रिसर्च शुड बी फॉर द मैन काइंड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। शोध जो रिसर्च जिसे कहा जा रहा है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है, हजारों रिसर्च पेपर सालाना जमा किए जाते हैं, दावा किया जाए, परंतु उसका प्रायोगिक यानी उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। एक रिसर्च काफ़ी सीनरी बदल सकती है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा था, चैनल जो रिसर्च करता है वो यूनिवर्सिटी से साझा करता है, और हमारा प्रमुख लक्ष्य ये भी है गरीबी की दास्ता कांत हो। सबसे बुरी बात यही है, पशु प्रबंधन और बालिका सुरक्षा जैसे मुद्दे बहुत गहराई से शोध किए जा रहे हैं। मैं आज इसी पर एक कड़ी में जो चर्चा करना चाहूँगा कि जो सरकारी संपत्तियाँ जिन पर लोग ढहे यहाँ थे, राजस्थान जैसे राज्य भारत के हैं, वो काफ़ी समय पहले हजार स्कूलों को लॉक कर चुके हैं। दूसरी सरकारी संपत्ति और स्कूलिंग की बात करूँगा। समाज इस बात के लिए चैनल से जुड़ने की कोशिश करे, चैनल की आवाज़ में आवाज़ मिलाए। 1,00,000 रुपये यानी 1 करोड़ लोगों के परिवारों के पास 1-1,00,000 रुपये जाना बहुत बड़ी पूंजी रखी है। कहते हो दे नहीं रहा, देता नहीं, लिया जाता शासन से। शासन खुद लेने के लिए होता है, जनता अपनी तरफ खींचती है, वो गद्दी अपनी तरफ खींचती है माल को। ये जो बंद स्कूलें हैं, दूसरे राज्यों में बंद होने की स्थिति तेजी से बढ़ रही है, और काफ़ी स्कूलें बंद ही हैं, अनार्थिक हैं, जहाँ नाम मात्र आधार पर चलाए जा रहे हैं। 2 बच्चे 60 टीचर, 1 बच्चा 9 टीचर, इस तरह की पैंतरेबाजी बड़ी संख्या में हैं। वहाँ टीचर भी वो खुश नहीं है। दिन भर लोग उनको ये कहें कि निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, मुफ्त खुरिया खा रहे हैं। हमारे इस्लाम में तो इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाता है, मुफ्तखोरी खाने को। तो राजस्थान में तो ऑलरेडी लॉकिंग है हजारों स्कूलों में, और दूसरे राज्यों में पहले कह दिया लॉकिंग जारी है या लोग कर नहीं रहे, लोग की स्थिति बन चुकी है। 1,00,000 करोड़ जो पूंजी है वो बड़ी संख्या में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं भारत में 80% जो परिवार हैं, ये सर्वे और दूसरी चीज़ें जो फर्जी सरकारी आंकड़े चलते रहते हैं, ये किसको गरीब किसको अमीर कहें, परंतु 80% परिवार ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाने के सपने पाले बैठे हैं, बहुत ही उनमें जिज्ञासा है, मतलब सहयोग की आवश्यकता है। और आज SC BC EBC EWC इकोनॉमिकर क्लास वगैरह मिलाकर जो पूरा जो समाज है, जो मुस्लिम समाज में जो लोग जनरल का तमगा जिनके था, और हिंदू समाज में यानी सभी उसमें कवर हो सके EWS में, चाहे मुस्लिम समाज का कसाई हो और चाहे हिंदू समाज का ब्राह्मण हो। जो EWS एक बहुत ही सरकार की जब आरक्षण नीति चली रही है देश में, तो एक अच्छी पहल है, बुरी नहीं है, जिससे सभी बच्चों को राष्ट्र में अभावग्रस्त बच्चों को उसने मौका मिला है कि हमारे साथ सरकार सभी समुदायों को सहायता देती है। बड़ा एक अच्छी विचारधारा पनप पाई समाज में। EWS इकोनॉमिक सेक्शन जब से आया है, ये बहुत अच्छा संदेश गया है। आरक्षण को एक प्रकार से समर्थन मिला, बल मिला है, लोग समझ पाए हैं कि आरक्षण है क्या। आरक्षण ज़रूरतमंदों को सहायता देने का एक ढंग है, और वो सभी को दी जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि गरीब हम भी, हमें नहीं दी जा रही, नहीं, सभी को दी जा रही। तो इसी कड़ी में जो ये संपत्ति जो के खंडर हो रही है, जनता गाड़ी पसीने कमाई की बिल्डिंग हैं जो धीरे धीरे गिरने की तरफ बढ़ जाएंगी, तो सरकारें जल्दी से जल्दी और जनमंच में, मैं जनमंचों को कहूँगा, बहुत लोग लिखते हैं जातीय संगठन धार्मिक यहाँ बहुत चलाते हैं, उन अगेरे लोगों को कहूँगा मैं कि अच्छी बात के लिए साथ है,
सरकारों से मांग करें, सरकारों पर दबाव बनाएं कि उनका बेचैन किया जाए जल्दी से जल्दी, और स्टूडेंट्स का पुरस्कार की राशियां बढ़ाई जाएँ जल्दी जल्दी। इसी वो कहते हैं कि दो तरीके होते हैं कार्य कराने के, दंडात्मक और पुरस्कारात्मक। तो बच्चों के मामले दंडात्मक व्यवस्था लागू नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूर्णतः प्रतिबंधित कर चुका है, दंड उसको कहीं भी नहीं दिया जाए, घरेलू स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। तो उनको आर्थिक पुरस्कार दिए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो बड़े प्रोत्साहित होंगे और देश में एक शिक्षा का तूफान उठेगा। अभी साक्षरी शिक्षा की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत ही अव्वल दर्जे की टॉप लेवल एजुकेशन का स्तर उठेगा। तो जल्दी से जल्दी इन बिल्डिंगों का पहचान करके इस राशि को बच्चों तक सीधी पहुंचाई जाए, खुर्द बुर्द नहीं की जाए योजनाओं के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर। हमारे यहाँ फंडिंग और फालतू बकवास बहुत होते हैं, वहाँ एक सेमिनार किया जाएगा, चार खर्चा 5 का लगा दिए 50, और यदि 50 भी लगाए तो चार तरह की नई चर्चाएँ आती हैं, ईमानदार अधिकारी पर भी उंगली उठती हैं, बेईमान पर ही नहीं। तो इस राशि को जल्दी जल्दी बेचकर और बच्चों के विवाह को जेब में सीधा डाला जाए, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो चलाई जानी सरकार की, उसी के तहत इस राशि को 80%, मैंने पहले बता दिया कि आरक्षित श्रेणी में 80% बच्चे कवर हो जाते हैं, अधिकतम 20% बच्चे बाहर बसते हैं, तो उन सभी को बेनिफिट दिया जाए। वजह से ये भारत में शिक्षा भत्ता किया जाना चाहिए, एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन इंस्पायरेशन, एजुकेशन डे, ढेर सारी बातें सामने आएंगी। और अभिभावक भी अपने बच्चों और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बालिका संस्था में पढ़ाने के लिए प्रेरित हों, क्यों एजुकेशन कंसेप्ट इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है जितनी गर्ल्स एजुकेशन, और मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़े ताकि बालिका शिक्षा भी अब उन्मुख रहे। ये बार बार मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्कूलिंग में जो गंदी बातें आ रही हैं, इसके लिए मैं जो जो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको मैं कहूँ निजता का नाटक नहीं करें, हमारी आँखें खुली हुई हैं, हम देख रहे हैं जांच के नाम पर, कांच के नाम पर। जब इनके खुद के साथ इस तरह की हरकतें होती थी, इनकी राज्य की पुलिसें लुढ़का देती उन लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। कहते हैं कि बाद में कर लेंगे माननीय न्यायालय का मुकाबला, और ये भी कहते हैं कि शरारत तब रक्षा चलाइए। तो ढेर सारी बातें हैं, आप जागरूक बने। और चैनल ने जो जागरूकता अभियान चला रखा है समाज को पालने और पोषने और आगे बढ़ाने के लिए, सरकारों द्वारा कुछ ऐसी नीतिगत बातें हैं जिनके लिए एकता की आवश्यकता करते हैं, संगठन शक्ति होती है, तो एकता के साथ आगे बढ़े। आज शिक्षा का प्रचार प्रसार जागरूक नागरिक हैं, वो कोताही न बरतें, आवाज़ बने, हम उनकी आवाज़ को और ऊँची करेंगे ताकि सरकारी कानून तक जाए और हमारे इन जो ये बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, इनकी शिक्षा के बल मिले। धन्यवाद।